नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर आपने यही देखा होगा कि शादी करने में आपकी जेब से ही पैसे जाते हैं, लेकिन हम अगर आपको यह कहे कि शादी करने के बाद बिहार सरकार आपको 2.5 लाख रुपए देगी तो आप शायद एक मिनट के लिए मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सच में होने वाला है। क्योंकि कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हमारे समाज में आज भी मौजूद है जिनमें बदलाव की सख्त जरूरत है। इन्हीं में से एक है समाज में अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना। आज भी हमारे समाज में अधिकांश लोगों द्वारा अपनी ही जाति और धर्म में विवाह करना पसंद किया जाता है। हालांकि इस सोच को बदलने के लिए कई सरकारें प्रयासरत दिखती हैं। बिहार में इसको लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जाता है, जिसमें से एक है अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री के अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अंतर जातीय विवाह करने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज भी कहा जाता है। बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उस वैवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है। यह आर्थिक सहायता बिहार सरकार 2.5 लाख रुपए की देती है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ी को आर्थिक मदद प्राप्त होती है। हालांकि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को एक प्री स्टाइपेंड रिसिप्ट 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जमा करना होगा, जिसके बाद उनको 1.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में RTGS या NEFT से भेजा जाएगा। बाकी के 1 लाख की राशि का फिक्स डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। 3 वर्षों के बाद फिक्स डिपॉजिट की राशि और उस पर अर्जित ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को मानना जरूरी है। इसके तहत बिहार सरकार की इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए। विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना होगा। हालांकि कई बार ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आई है कि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है। ध्यान रहे, शादी के 1 साल के अंदर ही आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है उसकी जानकारी भी आज हम आपको देने वाले हैं, जिसके तहत अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फोटो, शादी का कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होगी। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए दंपत्ति को विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना होता है। इस संबंध में आवेदन विवाह की तारीख के 2 साल के भीतर ही माने जाएंगे। आवेदन पति के गृह जिला के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और संबंधित BDO कार्यालय से दिया जा सकता है। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन जानकारी के लिए ambedkarfoundation.nic.in पर जाकर सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत दिव्यांग दंपतियों को भी खास लाभ मिलता है, जिसके तहत दंपत्ति में से अगर एक दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, अगर वर और वधु दोनों दिव्यांग है तो 2 लाख, और अगर वो और वधु दिव्यांग होने के साथ ही अंतर जातीय विवाह भी करते हैं तो उन्हें 3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में तीनों श्रेणी के लोगों को काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।